नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, टोटल मंडी में गाड़ियाँ कितनी आई और प्याज देखो जी, ऐसे प्याज तो सीजन में भी नहीं आए, इतने मोटे मोटे शानदार प्याज जी जो अब भी आ रहे जी और एक से एक लाजवाब क्वालिटी के जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, टोटल मंडी की बिक्री कैसी चली। और दोस्तों कल को मंडी है बंद, 2 अक्टूबर को कल को मंडी बंद रहेगी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा। नमस्कार योगेश भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट जी, गाड़ियाँ कितनी हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं जी। देखो जी, आज जो गाड़ी है व्यापारियों का तो माल कम आ रहा है पहले के मुकाबले पिछले 3-4 दिन से। अच्छा, सरकारी माल की ही हमारी मंडी में आवक ज़्यादा है। अच्छा जी, 4 गाड़ी आज MP की आई है, 10 गाड़ी NCCF, 3 गाड़ी पुना और 6 गाड़ी राजस्थान, 1 गाड़ी नई की बेंगलोर की है। अच्छा जी, और 14 गाड़ी नेफेड में आई है। ठीक है जी, तो टोटल 38 गाड़ी है, 60 गाड़ी का बैलेंस है, ऊपर नीचे लगा के वही 95 से 98 गाड़ी माल है। अच्छा जी, क्योंकि व्यापारियों के माल राणा जी इसलिए कम आ रहे कि सरकारी रोज 25-30 गाड़ियाँ रोज आ रही है। ठीक है जी, और सरकारी जो गाड़ियाँ वो 35 से 40 रुपए के बीच में बिक रही है, तो 35 कोई 36 कोई 37 कोई माल हल्के आ। अच्छा जी, काफ़ी टाइम हो गया माल हल्के आ रहे हैं सरकारी, तो उसकी वजह से व्यापारियों का हमारी मंडी में पड़ता लग नहीं रहा है। हाँ, 1-2-3 गाड़ी जैसे ये 1900 बिका है, ये जो अभी अभी मोटा प्याज दिखा भरा गया है। हाँ जी हाँ जी, 1900 रुपये मन 47-47 रुपए किलो फुल बम्फर बिक रहा है। मीडियम माल ये बिक रहे 44-45। अच्छा जी, पूना बेल्ट के, पूना और नासिक बेल्ट के। अच्छा जी, जो अच्छी क्वालिटी है। बात करें MP के मालों की, तो MP के मालों में अब उतनी वो पावर नहीं रह गई है, ना कलर पत्ती ना चमक कुछ। ठीक है, तो ये माल सब 38 से लेके 40 रुपए किलो की पोजिशन में बिक रहे हैं। 38 से 40 रुपए। अच्छा जी, तो बाजार तो देखो ठीक है, बाजार तो बीच में जरूर 3-4 दिन पहले जरूर ₹1-2 डाउन हुआ था, पर बाजार अब स्थिर हो गए। पहले ये बात क्लियर करो, जो व्यापारियों का माल है या किसानों का माल है, अभी उनके हाथ में माल है कितना है, रोक लिया या दिल्ली वैसे नहीं भेज रहे और कहीं भेज रहे जी? देखो जी, दिल्ली कम आ रहा है और दिल्ली कम ही आएगा। जब जब सरकारी प्याज दिल्ली में आता है तो व्यापारी यहाँ से साइड हो जाता है, आउट मंडियों में चला जाता है। ठीक है जी, तो दिल्ली व्यापारियों की 10-20 गाड़ी मुश्किल से देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, 2-4 गाड़ी 5 गाड़ी पुणे बेल्ट की लगा लो, 2-3-4-5 गाड़ी नए की लगा लो और 5-7 गाड़ी राजस्थान की लगा लो, 2-4 गाड़ी MP आ सकती है, तो वही 15-20-25 गाड़ी व्यापारियों की आएंगी, बाकी 20-25 गाड़ी सरकारी है। ठीक है जी, क्योंकि 40-50 बिकती है, 40-50 दोनों मिला के ये हो जाएंगी। ठीक है जी, बाकी माल जो बेच रहे अच्छी बात है, बेचते चले, क्योंकि अभी आपके पास 15-20 दिन का टाइम और है, महीना ही मान के चलो अक्टूबर का महीना है, धीरे धीरे करके जिन लोगों ने उस तरीके से प्याज बेचा है मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उनको तो कोई दुख है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने तो 100-200, जिसके पास 1000 कट्टे थे उसने 200-200 कट्टे करके हर महीने बेचे। दुख सिर्फ उस आदमी को जिसने पूरा का पूरा माल बेचा नहीं है। कुछ बंदे थे, हाँ जी, आप ये मान के चलो 100 में से 5% तो होते ही है, क्योंकि चालाकी दिखाते हैं कि हम 30-35 में ना बेचे, हम तो 50-60 में बेचे। उन आदमियों को लास्ट में नुकसान होता है और घर में आपस में झगड़े होते हैं घर वालों के। वाकई जी भाई, मौका हाथ से निकल जाता है। बिल्कुल, तो देखो बार बार हम यही समझा रहे थे कि 30-40-50 के बाजार चलते रहेंगे, कभी 5-7 रुपये डाउन होगा, कभी 5-7 रुपये तेज होगा, और आज वही मामला आ गया है, 5-7-10 रुपये मंदा होने का भी 5-7 रुपये 10 रुपये तेज होने का। ठीक है जी, तो इसमें धीरे धीरे संयम से करके जिसके पास ज़्यादा है वो तो बेचे भैया, देखो हम उसको तो सलाह दे नहीं सकते, हम सलाह उन लोगों को दे रहे हैं जो लोग मई से अप्रैल से हमारे चैनल को रमें देख रहे हैं और जो हमारी सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने गलती काफ़ी ज़्यादा करी कि 2000 कट्टे थे तो 2 के 2000 अक्टूबर में बेच लें, वही लोग पीछे अराइवल उन्होंने बढ़ाया मंडियों में ले जाके, और वो लोग गलत करते हैं, धीरे धीरे बेचना चाहिए, सब्जी है लोहा नहीं। तो अभी जो खतरा है,
कहाँ का है और जो खतरा नहीं है तो अभी ऑप्शन क्या क्या है? देखो जी अभी तो 20 दिन घबराने के क्या नहीं ऑप्शन है अभी, जहाँ घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखो जी घबराहट तो सबसे बड़ी बात क्या है, नए के अंदर सबसे ज्यादा डैमेज की शिकायत है कर्नाटक में, कर्नाटक और नया। आज भी मैं कहता हूँ 400-500 गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ना, 400-500 गाड़ी साउथ ही खाता है, साउथ का काम चलेगा, नॉर्थ इंडिया का काम एमपी और नासिक चलाए। ठीक है जी, तो अभी आपके पास ऐसा कुछ नहीं कि टाइम है 15-20 दिन 25 दिन का टाइम है बेचने का, बेचे। ठीक है जी, आज एमपी की मंडियों में बाजार 30 से 35 रुपए के बाजार है, नासिक की मंडियों में 37 से लेके 42-43 के बाजार, बीच में 45 से 50 के भी हो गए थे। तो वो इसलिए हो गए थे कि बीच में डिमांड थोड़ी पुराने की ज्यादा बढ़ गई थी, अभी नवरात्रे आगे आ गए तो थोड़ी डिमांडें कम है प्याज की। तो अभी जैसे परसों से नवरात्र है, कल मंडी बंद है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये नवरात्रे तो समझ लो 8 दिन के 7 दिन तो बिक्री डाउन रहेगी, 50% का बिक्री का माहौल रहता है 7 दिन के लिए, पूरे 7 दिन के। नवरात्रे से लास्ट अष्टमी से 1 दिन पहले बिक्री खुल जाती है, कल से असर देखने के लिए मिलेगा, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार संडे सोमवार मंगलवार बुधवार से फिर बिक्री अच्छी खुल जाएगी बाजारों में। बेचे कोई रोके ना, क्योंकि देखो हमने लास्ट महीना अक्टूबर का दिया था कि भैया पुराने का टाइम अक्टूबर तक होता, और आज 1 अक्टूबर हो गया है, जिसने बेचा और जिन्होंने हमारे चैनल की और हमारी बात मानी वो आज सब खुश हैं। पिछले कमेंट्स में सब ने बताया कि बाबूजी मेरे पास 1000 कट्टे थे, 100 रहे, हमें बड़ी खुशी हुई देख के, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का नुकसान ना हो। यार एक उनका भी इलाज करना पड़ेगा, हमारी वीडियो चोरी करके पारे, कभी आपकी फोटो कभी शर्मा जी की फोटो, वो कहते हैं मैं 80 रुपए से कम नहीं बिकने दूंगा 100, मेरे को यही नहीं पता भी चैनल कितने हो गए जी, कौन हमारी वीडियो डालता है। चैनल आज तक भी है, एबीवीपी भी है, इंडिया न्यूज भी है, चैनल काफी है और हर चैनल मोदी की फोटो लगाता है, पर जो आदमी आज तक देखने पे मजा आता है, इसी तरीके से हमारे जितने भी किसान और व्यापारी भाई है, दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम से हमारा चैनल है। यार वो तो ना बदनाम कर रहे हैं आपको भी चैनल। देखो फोटो लगाते हैं जी और टाइटल कुछ से कुछ नहीं, हमारा जो देश है इसमें अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती रहती है, कोई बदनाम करता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, और ये चलती रहती है। खाली दिल्ली फ्रूट मार्केट जो चैनल है, हम 3-4 आदमी जो मंडी के आते हैं सिर्फ इसी चैनल पे आते हैं, इसके अलावा ना हम किसी को इंटरव्यू देते हैं, चाहे आज तक आ जाए चाहे एबीवीपी आ जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखो हमारा जुड़ाव है, किसानों के प्रति भी है, खाने वालों के प्रति भी है, लोगों ने खाया है प्याज 50-60 रुपए में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, ना हा उल्ला करा इस बार, जैसे हर बार हा उल्ला कर देते थे रोडों पे, इस बार कोई नहीं आया, और अच्छी बात है, सरकार का भी जो माल आ रहा है अच्छे रेटों में बिक रहा है, 35-40 रुपए में मंडी में हर लेवल के माल है बिक रहे हैं, यानी आज की तारीख में भी 10 रुपए का डिफरेंस है व्यापारी के माल में और सरकारी माल में। बिल्कुल, व्यापारी का माल 10 रुपए तेज बिक रहा है। इसमें जो चमक है ना, हाँ जी देखो मैं आज दिखाता हूँ आपको, सरकार में ये चमक रह गई है, सरकार के मालों में ये रहेगा जी। हाँ जी, अच्छा जी, ठीक है, और हमारा जो किसान ओल्ड इज गोल्ड, किसान के मालों में ये दम। अच्छा जी, तो हर आदमी सरकारी खाना पसंद नहीं करता है, जिन लोगों को सस्ता चाहिए और हल्का प्याज चाहिए तो वो सरकारी खा रहे हैं, बाकी जो तवज्जो किसान प्याज को देता है वो तवज्जो कभी भी सरकारें प्याज को नहीं दे सकती। और लेने वाले ये भी है जो 47 रुपए किलो तक का ऐसा माल ले रहे जी, बेचेंगे तो मार्केट में। देखो जी ये भी लेने वाले अच्छे खाने वाले, जहाँ 100 रुपए की प्लेट भटूरे की बिकती वहाँ कटेगा ये जाके, जहाँ चांदनी चौक के मशहूर छोले चावल है वहाँ कटेगी ये प्याज जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है, खाने वाले फुर्ती से खा रहे हैं, कोई खाने वालों में कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, बेचने वाले हिम्मत रखें, बेचने वाले बेचते रहे, क्योंकि आपके पास अक्टूबर का महीना बचा है, कोई भी आदमी एमपी वाला खासकर सुन ले, नवंबर के चक्कर में ना रहे, एमपी वाला नवंबर के चक्कर में, महाराष्ट्र वाले तो चलते हैं नवंबर दिसंबर तक चलते हैं, देखो उनके आगे तो हम क्या है, कुछ भी नहीं है, उनको हर चीज़ की नॉलेज है महाराष्ट्र के किसानों को, तो उनको तो हम ज़्यादा, और उनका रख रखाव का भी तरीका अलग है,
और उनके प्याज की जो है मेन क्या है, महाराष्ट्र का प्याज 20% 25% एक्सपोर्ट होता है और एमपी का आज भी 1% प्याज एक्सपोर्ट नहीं होता। क्लाइमेट का फर्क पड़ गया है। क्लाइमेट का भी है, पैकिंग का भी है, प्याज का भी फर्क है एक्सपोर्ट के मामले में। वहाँ पे वो उस लेवल के व्यापारी भी अभी एमपी में अभी नहीं है कि एक्सपोर्ट कर पाए। करने को तो कर सकते हैं पर उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ता है सारा। तो इसलिए महाराष्ट्र के किसानों को तो घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके पास तो एक्सपोर्ट की एक मशीन है। ठीक है जी। एमपी वालों के पास में एमपी का माल जो आता है यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी स्टेट, ये 7 स्टेट ज़्यादा प्याज खाते हैं। थोड़ा बहुत हिमाचल वगैरह हो गए, श्रीनगर हो गए, उत्तराखंड हो गया है, 8-10 स्टेट है। इन स्टेटों में नवंबर के महीने में काफ़ी नया प्याज अलवर का निकल जाएगा, तो एमपी के किसानों को तो अक्टूबर के महीने में प्याज को बेच देना चाहिए, रखना नहीं। अभी आज एक अक्टूबर हो गई। हाँ जी हाँ जी। 7 तारीख तक तो नवरात्रि चले गए हैं। हाँ जी हाँ जी। 7 तारीख तक तो कंट्रोल में लेके जाए। 7 के बाद फिर भी इनके पास 23 दिन बचेंगे। हाँ जी 23 दिन बचेंगे। 50-100 कट्टे जिन किसानों के पास बचे हैं थोड़ा थोड़ा करके निकालने, वो अपना बेच देंगे। और जिनके पास 8-2 हज़ार कट्टे बचे हैं उनके साथ तो देखो ऊपर वाला मालिक है। उम्मीद चमत्कार की भी है, अभी चमत्कार भी हो सकता है जी। देखो जी, चमत्कार को नमस्कार अब, क्योंकि टाइम पीरियड अब नहीं, कोई एक पॉइंट ऐसा भी तो तभी चमत्कार हो गया जी। ये तो सारी बातें उल्टी बैठ गई भी, चमत्कार का मतलब भी जी, चमत्कार कम नहीं है। 35-40-50 रुपये बीच में प्याजें मिल गई जिस किसान की बिकी, वो कहता मेरे लिए चमत्कार तो नमस्कार पे खत्म हो गए। अब भी कोई है चांस बन सकता है कोई बना के? देखो जी, मुझे तो नहीं लगता है, मुझे इसलिए नहीं लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा साउथ के अंदर जो पुराना जा रहा था वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है जी। और 30-35-40 के बीच में प्याज पुरानी अब बिकेगी, अराइवल के हिसाब से 2-4 रुपये किलो बढ़ जाएगी, अराइवल के हिसाब से 2-4 रुपये किलो कम हो जाएगी, बाकी बेचना चाहिए। आज तारीख 1 तारीख हो गई है, सभी किसानों को 7 तारीख से प्याज पुराना बेचना चाहिए। 7 तक शांति करो, नवरात्रों की वजह से बिक्रियां कम रहेंगी, 7 तारीख से आपका प्याज बेचना आप स्टार्ट करो। अब भी अगर थोड़ा थोड़ा बिकता तो थोड़ा थोड़ा अभी भी बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। अब कि हम रोकने के लिए बार बार नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने जो टाइमिंग पीरियड दिया था मई जून के अंदर, आपको अक्टूबर महीने तक का दिया। नवंबर में जो बिकता है पुराना, वो जो बिका है आपका 47 रुपये नवंबर दिसंबर में, वही बिकता है मोटा। ठीक है जी। क्योंकि नए में 35 से लेके लास्ट 50 mm साइज होता है प्याज का, जो पुराने प्याज में साइज मिलता है वो नए में नहीं मिलता है। तो इसलिए सभी किसानों को धीरे धीरे करके अब बेचना चाहिए। राजस्थान में पुराना माल है थोड़ा बहुत? देखो जी, राजस्थान भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। आज भी हमारा तो जो हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप और मैं हरियाणा से, तो वहाँ का एक ज़िला और हरियाणा बरोबर। ठीक है जी। तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 500,000 गाड़ी वहाँ भी है पुराने प्याज की, और सबको थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए। अब भी देखो बाजार है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाजार हाथ से चला गया। ये बता दो जी, नया जो राजस्थान कैरथल का आएगा कब तक ये? आप ये मान के चलो 5 से 7 नवंबर में नए की आमदनी अलवर की और खैरथल की मंडी में, आज़ादपुर की मंडी में 40 से 50 हज़ार कट्टा अलवर मंडी में 7 नवंबर से, और 10 से 15 हज़ार कट्टे खैरथल मंडी में, और दिल्ली मंडी में 2 से 4 हज़ार कट्टे आने स्टार्ट हो। ये कौन से नवंबर से? 7 नवंबर से। 7? हाँ जी। तो एकदम बढ़ेंगे इतने कट्टे के, पहले से शुरुआत होगी? देखो पहले से छुटपुट शुरुआत होगी जी, 25 अक्टूबर से 100-200-500 कट्टे आने स्टार्ट हो जाएंगे। वो तो लोकल में ही खाया जाएगा। जो मेन जो है वो 7 तारीख से आप मान के चलो 7 से स्टार्ट होगा और लंबा चलेगा। इस साल फसल उन्होंने अच्छी लगाई है, अभी तक भी फसल लग रही है, कोई किसी इस बहम में ना रहे कि नवंबर दिसंबर में प्याज में ज़्यादा तेजी रहेगी, नॉर्मल रहेंगे 30-35-40 के बीच में प्याज। 30-35-40 तो मिल जाए नए को, नज़ारा आ जाएगा जी। देखो जी, मिलना चाहिए, अगर पुराने वाले समय से ख़त्म हो जाएंगे तो उनको भी मिलना चाहिए। सब किसान है, आशा सबके प्रति रहती है, सब देश के किसान हैं,
सबको रेट मिलना चाहिए, पुराने वालों को 5 महीने हो गए। राणा जी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर छठा महीना चल रहा है, तो 6 महीने तेजी को कम नहीं होते। और कोई आदमी भला कहे या बुरा कहे, हम तो बार बार में समझाते रहे लोगों को, थोड़ा थोड़ा बेचते चलो। ठीक है जी, अनकंट्रोल भी मत ले जाओ कि भाई मंडी भर जाए, 35 वाला माल 30 बिक गया, ये भी नहीं करना। 7 तारीख तक थोड़ा संयम करो, 7 के बाद थोड़ा थोड़ा करके निकालो। ठीक है, मेन अब भी जो आवक का वो दमखम रहेगा, सारी के सारा जो मार्केट रहेगी एमपी के ऊपर डिपेंड रहेगी। देखो जी, एमपी के ऊपर डिपेंड रहेगी, एमपी में कितनी निकासी होती है और बेचना भी चाहिए। नहीं, जो मार्केट का जो पूरा कंट्रोल रहेगा एमपी के ऊपर रहेगा भैया, पूरा एमपी के ऊपर रहेगा। और एमपी बड़ा क्षेत्र है ना, हम कभी हिसाब लगा पाए थे ना लगा पाएंगे, क्योंकि आपका कहना सही कि एमपी अजब और गजब गजब है। यानी माल कम आएगा, जो निकाल दियोगा फिर तो रेट बने रहेंगे और ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छी बात है। और जो रोको है माल होंगे, फिर जो इम्पोर्टर आने की कोशिश कर रहे थे उनका इलाज हो गया। जो कह रहे थे ना अफगानिस्तान आ गया, ये आ गया, वो आ गया, आज उनके कपड़े बिक जाएंगे इंडिया के बाजारों में, क्योंकि सरकारी प्याज मिल रहा है 35 रुपये में यहाँ पे, और 35 रुपये में उनका पड़ता है इंडिया में, तो 30-35-40 रुपये तो प्याजे वहाँ मिलने लगे जी राणा जी मंडियों में। अच्छा, प्याज जब बिकता है उनका काम हो लिया जी, उनका काम तमाम हो गया जी। जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उससे पहले हमारे वालों ने, इंडिया वाले किसानों ने फायर कर दिया प्याज। तब डरने की जरूरत नहीं है, डरे वो जिसके पास ज़्यादा माल रखा है, और जिसके पास 150 कट्टे बचे वो बेचारा आराम से बेचे, 2-4 कम भी बिक जाए तो दिल को तसल्ली रखे, क्योंकि आपने पूर्ति पूरी कर रखी है। ठीक है जी, बाजार कंट्रोल से बनाए गए थे, प्याज की कभी कोई कमी नहीं होती है, बाजार चलाया जाता है, और आप किसानों ने चलाया बहुत अच्छी बात है, 5 महीने पीरियड में चलाया। ऐसा तो नहीं है कि माल की शॉर्टेज रही, माल पूरे आए, जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा रहे। देखो जी, आज कोई राणा जी भला कहे बुरा कहे, हमारे चैनल पे 4 आदमी देते हैं, 4ों की राय अच्छी हो। ठीक है जी, सारे हम कहेंगे तेज ही होगा तो फिर क्या राय होगी। किसी को भला बुरा मत कहो, कब किसका दिन आ जाए कुछ नहीं, 4 भगवान है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है, बाजार अच्छे रहे, 5-6 महीने अच्छे रहे, अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलो जी, आपने एक बात तो माननी भी, नए वालों का भला होगा जी, जो कैरथल का चलेगा उसको भी 30-35-40 के बाजार मिलते रहेंगे। देखो जी, मिलने चाहिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि 30-35 रुपये के बाजार मिलने चाहिए। और राणा जी कुछ कह नहीं सकते, नया कब कितना क्या आ जाए, आपको अपडेट जो हम देंगे 20-25 अक्टूबर को दोबारा कि नवंबर दिसंबर में क्या रहेगा। चल, जब भी अब छुट्टी मिले एक बार राउंड लगा के आओ। देखो जी, राउंड मेरा तो रोज ही लग रहा है, मैं तो उस क्षेत्र से ही जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र से 50 किलोमीटर से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ नारनौल से हरियाणा से, 50-60 किलोमीटर से प्याज लगता है और 100-150 किलोमीटर के बीच में प्याज पैदा होता है। अपने किसानों को बोलना, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो भेजेंगे कितना बड़ा हो लिया जी। देखो जी, मेरे पास वीडियो आई है, मैं आज आपको दे भी देता हूँ, डाल भी देता हूँ और भी मंगवा देता हूँ आपको। प्याज 5-7 नवंबर से अच्छी आवक आने लग जाएगी वहाँ। अच्छा जी, 5-7-8 नवंबर से अच्छी आवक आने लगेगी। हर साल भाव की वजह से वो जल्दी लेके आते हैं, पर इस साल साइज ही उनका 5-7 नवंबर तक तैयार हो। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, बिक्री तो आज अच्छी बनेगी। देखो जी, बिक्री ठीक है राणा जी। फिर ये जो गाड़ियाँ बचेंगी, ये परसों तक खड़ी रहेंगी जी? अभी कुछ 5-7 गाड़ी खड़ी रहेंगी, बाकी लोग नीचे उतार देंगे। अच्छा जी, बाकी बिकेगा ऐसा कुछ नहीं कि प्याज अभी बिकेगा, 2-2.5-3 बजे तक बिकेगा। कल आज आलू में तो बड़ी जबरदस्त बिक्री, प्याज में भी होनी चाहिए जी। वैसे डबल मंडी मेन क्या है मैं बताता हूँ, हिंदू धर्म में 70% लोग नवरात्रे मनाते हैं, और नवरात्रों में हमारे घरों में प्याज और लहसुन इन दिनों से हटा दिया जाता है। कल से सब घरों में 70% घरों के अंदर लहसुन और प्याज 9 दिन के लिए ना तो खाया जाता ना घर में रखा जाता। ठीक है जी, और आलू खाया जाता है नवरात्रों में, तो आलू की बिक्री अच्छी है, 5-7 दिन प्याज की बिक्री स्लो रहेगी, बाकी बाजार पीछे 30-35-35-40 के बीच में चलते रहे। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282, योगेश शर्मा दिल्ली। धन्यवाद भाई।